नमस्कार साथियों, आज हम फिर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। एक कल मैंने एक वीडियो बनाया था, सऊदी में, कुवैत में पाकिस्तानी लोग लफड़ा करते हैं चोरी करना, या फिर इंडियन के साथ में मारपीट की, उनके पैसे 1.5 लाख रियाल के करीब हड़प लिए थे। तो एक पाकिस्तानी बंदा था, शायद लगा मुझे, उन्होंने बताया कि आप इंडियन लोग तो पाकिस्तान को बदनाम करते हो, तुलने पे बदनाम करने में तुले हुए हो, लेकिन भाई हम जो बात करते हैं ना, एविडेंस के आधार पे, जो न्यूज होती है उनके आधार पे बात करते हैं हम। ये तो है ना कि घर बैठे कहानियां बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी की लेटेस्ट हम बात कर लेते हैं, वो वीडियो 2 दिन पहले डाला था, ये न्यूज दूसरे दिन की आ गई, हालांकि मैं 1-2 दिन लेट इसको डाल रहा हूं। आपको पता है पाकिस्तान की फ्लाइट मलेशियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, आपको पता ही होगा, और इसका रीजन क्या है, पैसा, पैसा नहीं चुका पाया। डिटेल क्या है, पाकिस्तान को फिर होना पड़ा शर्मिंदा पूरे विश्व के सामने। एक एक पाकिस्तान की फ्लाइट को दूसरा देश कब्जे में कर लेता है पैसा नहीं देने की वजह से, कितनी बड़ी शर्म की बात है, सोचने की बात है। फिर आप बोल देते हो भाई, हालांकि मेरा काम यहाँ नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, लेकिन सच तो सच है, चाहे वो इंडियन करें या फिर पाकिस्तानी करें, उसको छुपाने का कोई मतलब नहीं है, तो दुनिया के सामने की चीजें है ना। डिटेल से बात करेंगे, सरकारी एयरलाइन पैसेंजर फ्लाइट को एयरक्राफ्ट मलेशिया में सीज, पैसा लीज का पैसा नहीं चुकाने पर कार्रवाई की गई। जी हाँ, जबकि उसमें बोर्डिंग हो चुकी थी, 150 के करीब यात्री बैठ चुके थे, 18 के करीब क्रू मेंबर थे, सबको प्लेन को जब्त करके उनको नीचे उतार के उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। डिटेल से बात करेंगे, माजरा क्या था, कौन सी कंपनी का क्या चल रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज के पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पीआईए ने बता दूं, 2015 में वियतनाम की एक कंपनी थी, उनसे 2 एयरक्राफ्ट लीज पे लिए थे। जी हाँ, जिसमें ये जो कार्रवाई की गई, बोइंग 777 ये मलेशिया में था, वहां से उड़ान भर के पाकिस्तान आने वाला था, ठीक है, उसमें बोर्डिंग हो चुकी थी, यात्री एकदम फुल हो चुके थे, यानी और उसमें 18 के करीब क्रू मेंबर थे। अचानक से वहां पे मलेशिया का कोर्ट का जो आदेश मिला, उसके हिसाब से उसको जब्त किया गया। अब जब्त कैसे किया गया, वियतनाम की जो कंपनी थी उससे पाकिस्तान सरकार ने 2 विमान लीज पर लिए थे, जिसमें 777 बोइंग विमान था, ठीक है, ये विमान मलेशिया में था। वियतनाम की कंपनी ने यूके में केस कर रखा था इसके खिलाफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ में। जी हाँ, क्योंकि उनका 6 महीने का काफी टाइम पुराना जो लीज का किराया था, वो भी पाकिस्तान सरकार उनको नहीं चुका रही थी, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया यूके कोर्ट ने कि भाई इसको विमान को जब्त कर लिया जाए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने का मतलब वो इंटरनेशनल ऑर्डर पे चला जाता है कि भाई फ्लाइट कौन सी कंट्री में है, उसी का कोर्ट फिर उसको कार्रवाई कर लेता है। तो उस टाइम वो फ्लाइट मलेशिया में थी। आपको पता है भाई, मलेशिया वैसे पाकिस्तान का दोस्त भी है, आप सबको पता होना चाहिए, चीन, तुर्की, मलेशिया ये सब पाकिस्तान के एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, और उसके बावजूद ये घटना घटी है। मलेशिया कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा है, उसको जब्त कर लिया गया। तो भाई आपको पता है भाई, सिस्टम के हिसाब से उसको जब्त करके उनके कानूनी कार्रवाई चालू स्टार्ट कर दी। उसमें जो क्रू मेंबर थे, जो यात्री थे, उनको निकाल के उनको 14 दिन के लिए प्रोटोकॉल के तहत जो होता है, 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। बात पे ज्यादा टिप्पणी करने से जो पीआईए एयरलाइंस के जो प्रवक्ता है, उन्होंने ये बताया कि भाई पेमेंट डिस्प्यूट का मामला है एयरलाइंस और कंपनी के बीच में, इनको जल्दी सुलझा लिया जाएगा, बाकी यात्रियों को हमने पूरी गैर औपचारिक सुविधाओं के लिए उनको अलग से रखवा दिया गया है, बाकी सरकार फैसला करेगी। ज्यादा विवाद के बारे में उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। आगे भी आपको पता है, पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने पाकिस्तान ने मैटर उठा था कि 30-40% जो पायलट है वो फर्जी हैं, इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने उनको बैन कर दिया गया था उनकी फ्लाइटों को, जिसमें मुस्लिम कंट्री भी थे, यूके भी था, अमेरिका भी था। इस वजह से आपको पता है काफी टाइम से जिल्लत क्या उनको झेलनी पड़ रही है। बस ये आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।